Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study rights and duties of principal and agent. तो हम पहले principal से शुरू करते हैं. तो principal की क्या क्या duties है वो देखते हैं. दोस्तों पहला topic है, principal एक security protection provide करता है अपने agents को कोई भी unlawful act होने से. सेकेंड पॉइंट है, अगर एजेंट को कोई भी इंजुरी हुई है प्रिंसिपल की वजह से तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है उसके कंपनसेशन के लिए, उसकी भरपाई के लिए. तीसरा है, प्रिंसिपल को अपने एजेंट को कमीशन भी देना चाहिए और रेम्यूनरेशन भी. रेम्यूनरेशन मतलब उसके हक में जितने पैसे आते हैं उसके काम, जैसे कि वो काम किया तो उसके काम के पैसे उसको देना, और अगर ज़्यादा काम कर लिया कमीशन लाइक कमीशन के तौर पे भी उसको दे देना. तो ये ड्यूटीज़ है प्रिंसिपल का कि अपने एजेंट को कमीशन भी दे और रेम्यूनरेशन भी दे. चौथा है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी मेंटेन करता है एजेंट के लिए गुड फेथ में, मतलब कि खुशी के तौर पे भी उस पर सिक्योरिटी देना, मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसके साथ कुछ गलत ना होने देना, अपने एजेंट के साथ बिल्कुल फेथफुली रहना. तो हमने ड्यूटीज़ प्रिंसिपल टॉपिक ख़त्म कर लिया है और अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल की क्या क्या राइट्स हैं. पहला है कि ये रिकवर करता है डैमेजेस को, जितने डैमेजेस हुए हैं उसको ये रिकवर करेगा, चाहे प्रिंसिपल की खुद की वजह से हुआ हो या उसके एजेंट की वजह से हुआ हो. सेकेंड है, रिकवरी ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट्स, जो भी पैसे एक्स्ट्रा आते हैं तो यहाँ पे उसका राइट है कि वो रिकवर करे वो सारे पैसे को. तीसरा है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ये टर्मिनेट भी कर सकता है अपनी एजेंसी को. तो प्रिंसिपल के ये सारे राइट्स हैं. अब शुरू करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट्स, एजेंट का क्या क्या ड्यूटीज़ है. पहला है, एजेंट का ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल के रूल्स एंड डायरेक्शंस को फॉलो करे. सेकेंड है, अपना वर्क रीजनेबल स्किल के साथ करे. तीसरा है कि वो अपनी ड्यूटी को काफ़ी ईमानदारी से करे. चौथा है कि वो जो भी काम कर रहा है या डिसीज़न ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सबसे पहले प्रिंसिपल से बात करे, डिसाइड करे, मीटिंग करे, कम्युनिकेट करे प्रिंसिपल के साथ, तब कोई स्टेप उठाए. पांचवा है कि ख़ुद से वो डील नहीं कर सकता है किसी चीज़ में, मतलब कि अगर पैसे वैसे का कोई बात है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रिंसिपल के अकाउंट में ना भेज के अपने अकाउंट में भेज दे, नहीं, यहाँ पे वो अपनी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मतलब ड्यूटी नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट, अपने अकाउंट में ये कुछ भी नहीं डाल सकता है. सिक्स्थ है, कैनॉट मेक प्रॉफिट, ये कोई प्रॉफिट खुद से क्रिएट नहीं कर सकता है, इसे भले कमीशन मिल सकता है लेकिन ये अपने से कुछ भी नहीं क्रिएट करेगा. अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ एजेंट्स, एजेंट्स की क्या क्या राइट्स हैं. पहला है कि उसे अपने हक की कमाई मिलनी चाहिए, वो जितना टाइम दे रहा है, जो काम कर रहा है, उसको पैसे उसी के मुताबिक मिलनी चाहिए. दूसरा है राइट टू रिटेनर. तीसरा है राइट ऑफ लीन. लीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई मूवेबल गुड है, अगर जब तक उसका कमीशन उसको नहीं मिल जाता है वो गुड्स को डिलीवर होने से रोक भी सकता है, तो ये होता है राइट ऑफ लीन. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कार सर्विसिंग का एग्जांपल, कि आप कार देने जाते हो सर्विस सेंटर में, तो ऐसा नहीं है कि आप कार आए, चाबी डाले और चल दिए, नहीं, आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे तब आप वहाँ से अपनी कार ले जा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड राइट ऑफ लीन. चौथा है राइट टू बी इंडेमनीफाइड, मतलब कि इसके पास एक राइट है, ये खुद को बचा सकता है, ये कंपनसेशन अपने बॉस से ले सकता है, अपने प्रिंसिपल से ले सकता है, समझ रहे हैं, हमने पढ़ा था ना पिछले बार इंडेमनीफाइड, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, राइट टू कंपनसेशन, अपना कंपनसेशन मांग सकता है अगर इसे कुछ नुकसान होता है तो. राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स, गुड्स को रोक भी सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल अगर इसे कह दे कुछ भी करने की, गुड्स को रोको या ये करो, ये सामान वहाँ पहुँचाओ, तो ये इसकी राइट्स है कि ये स्टॉप कर देगा गुड्स को. ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.